हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो कैमन 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का डायल पैड ओपन करना है, ठीक है। डायल पैड ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर डायल पैड में आपको ना कोई भी एक नंबर आपको डायल करना है, कोई भी एक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक नंबर ये डायल कर लिया। अब ये सामने वाला पर्सन मेरी कॉल को रिसीव कर लेगा तो मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ये कॉल है रिसीव हो चुका है और यहाँ पे काउंटिंग चल रही है। जब ये कॉल रिसीव हो जाता है ना, आपको नीचे ये मोर का ये ऑप्शन है, थ्री डॉट का ये ऑप्शन है, इसे टैप करना है, यानी कि मोर पे ही, ठीक है ना। तो आपका ये छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें देखिए ऐड कॉल का ये ऑप्शन है, ऐड कॉल पे टैप करना है। अब आपका यहाँ पर जो है डायल पैड दोबारा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कोई दूसरा नंबर यहाँ पे डायल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर डायल कर लेता हूँ। तो देखिए, कस्टमर केयर में नंबर मैं डायल कर दिया। जब दूसरा पर्सन भी कॉल रिसीव कर लेता, काउंटिंग चलने लगती है ना, तो आपको नीचे मोर का ये ऑप्शन दोबारा टैप करना है, ठीक है। तो आपका ये पेज ओपन होगा, इसमें देखिए मर्ज लिखा हुआ है ना, मर्ज का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपकी जो कॉल है ना, वो कॉन्फ्रेंस कॉल में बदल जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी ईजिली फोन में जो है कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और भी बातें बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने दो नंबर ये डायल किए हैं और एक मैं खुद तीसरा पर्सन हो गया। हम तीनों लोग मिलकर एक ही कॉल लाइन पर बात कर सकते हैं। हम तीनों से कोई भी एक पर्सन बोलेगा तो बाकी के दोनों लोगों को सुनाई देगा। कॉन्फ्रेंस कॉल में कोई भी पर्सन होल्ड पे नहीं रहता है, ठीक है। और ऐसा इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए सिर्फ दो ही नंबर आप डायल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें नंबरों की संख्या और भी बढ़ा सकते हैं, यानी और भी लोगों को ऐड कर सकते हैं। वही सेम प्रोसेस है, आपको ये मोर का ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पे ऐड कॉल पे टैप करना है, आपका डायल पैड आएगा, वहां तीसरा नंबर डायल कर देना है। जब तीसरा पर्सन कॉल रिसीव कर लेगा तो आपको नीचे मोर का ये ऑप्शन दोबारा टैप करना है, वहां पे आपको मर्ज का ऑप्शन देखिएगा, मर्ज पे टैप कर देना है, उससे आपका तीसरा पर्सन भी ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आप एक एक करके और भी लोगों को, 4, 5, 6, 7 लोगों को और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, ठीक है।